आभास की अपकमिंग साइंस फिक्शन हिंदू माइथोलॉजिकल मूवी प्रोजेक्ट के एके कल की 2898 एडी इंडियन सिनेमा हिस्ट्री में मैसिव बिग लेवल की रिस्क लेने जा रहा है, क्योंकि मूवी के एग्जैक्ट टाइमलाइन आज से 875 इयर्स बाद टेक प्लेस करता है, जो कि फ्यूचर का भी फ्यूचर है बॉस। तुमने जेम्स कैमरॉन की अवतार मूवी देखा है तो 2009 से उस मूवी को सिर्फ 145 साल बाद ही टेक प्लेस कर दिया गया था। भाई सोच कर देखो, 150 साल भी नहीं, और प्रोजेक्ट के मेकर्स 850 साल से भी दूर के फ्यूचर को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो भाई उस टाइम के फ्यूचर को विजुअली प्रेजेंट करने के लिए डायरेक्टर नागास्विन को खतरनाक लेवल की विजन एस्टेब्लिश करना होगा। इंडियन सिनेमा हिस्ट्री को हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो हजारों साल पुरानी पीरियोडिक मूवीज भरा पड़ा है, बट फ्यूचर में सेट गिने चुने मूवीज ही देखने को मिलता है, जिसमें ज्यादातर मूवीज अपने कंटेंट को फ्यूचरिस्टिक टाइप से प्रेजेंट करने में स्ट्रगल करता है, क्योंकि डायरेक्टर की विजन क्लियर नहीं होता। बट यहां पर प्रोजेक्ट के डायरेक्टर अपने क्लियर विजन का हिंट देते हुए कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स टीजर में छोड़ा है। जैसे बहुत सालों तक किसी इंसान को जिंदा रखने के लिए एक लिक्विड टाइप बक्से में बंद कर दिया जाता है, ताकि उनका एज ना बढ़े और वो जिंदा भी रहे। उसके साथ अनलिमिटेड सालों तक उस बक्से में लिक्विड के अंदर वो इंसान सोते रहेंगे, जब उनका जरूरत होगा बक्से से निकाल के उनको जिंदा किया जाएगा। तुम देख सकते हो वैसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट हमें इस शॉट के अंदर देखने को मिलता है, बट तुम्हें बता दूं ये सिर्फ मेरा एक छोटा सा थ्योरी था, कंफर्म मत समझना। उसके बाद ओवरऑल टीजर के यूले स्टिंट और रेगिस्तान के शॉट हमें हिंट दे रहा है फ्यूचर में पृथ्वी में पेड़ पौधे लगभग खत्म होने के कागार में है, और इसी वजह से भूकंप भी बढ़ता चला जा रहा है और लोग एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ओवरऑल टीजर में सभी इविल लोगों की हरकत देखकर समझ में आ रहा है वो लोग अपने एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं और नॉर्मल इंसानों को अपना दास बना के रखना चाहते हैं। इसी के द्वारा मूवी के डायरेक्टर हमें हिंट दे रहा है कि फ्यूचर में कलयुग अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जिसमें लोग अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा खुद को भगवान मानने लग गए हैं। और इसी पॉइंट पर प्रोजेक्ट के मूवी एक सेंसिटिव टॉपिक पर दूसरा रिस्क ले रहा है, वो है हिंदू माइथोलॉजी, जहां हमारे प्रभास लॉर्ड विष्णु के 10वां अवतार कल्कि के रूप में दिखेंगे और अमिताभ बच्चन की कैरेक्टर इन द हिंदू एपिक महाभारत की अश्वत्थामा के अवतार में दिखेंगे। देखो भाई, प्रोजेक्ट के मूवी के पहले टेक्नोलॉजी के साथ माइथोलॉजी का कॉम्बिनेशन हमने एक माइंड ब्लोइंग सीरीज में देख लिया है। क्या तुमने असुर नहीं देखा है? क्या कर रहे हो यार? देखो भाई, असुर में डायरेक्ट माइथोलॉजी को ना घुसाकर सिर्फ एग्जांपल के द्वारा हमें एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर प्रेजेंट किया गया था, बट प्रोजेक्ट के में मूवी का जॉनर डायरेक्ट माइथोलॉजी को कैरी करते हुए डायरेक्टली साइंस फिक्शन कैटेगरी में आ जाता है, जो कि असुर से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। यहां पर माइथोलॉजी के अंदर सिर्फ इमोशंस ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा, जो तुम टीजर में देख सकते हो लॉर्ड विष्णु के अवतार में प्रभास कर भी रहे हैं। बट उस साइंस फिक्शन टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने के चक्कर में इस मूवी के लिए अपने माइथोलॉजिकल मोटिवेशन को कैरी करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि इंडियन सिनेमा में ऐसे कॉन्सेप्ट को हमने एक्सप्लोर होते हुए नहीं देखा है। तो इसे रिस्क को टालने के लिए एक ही उपाय है, मूवी के राइटिंग का बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। प्रोजेक्ट के का तीसरा रिस्क ये है, हिंदू माइथोलॉजी को साइंस फिक्शन टच देकर इस मूवी को ग्लोबली पैन वर्ल्ड रिलीज करना। पहला कदम तो इनका सैन डिएगो कॉमिक कॉन था, डायरेक्टली नेशनली प्रमोशन चालू करने के लिए ये स्टेप काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बाहर के देशों में हाल ही में RRR जैसे पीरियोडिक कंटेंट को लोगों ने कंज्यूम किया, उसके बाद टोटली डिफरेंट फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन मूवी लोगों के सामने आने वाला, मतलब मैं ओवरसीज की बात कर रहा हूँ। इससे डेफिनेटली बाहर के लोगों को भी पता चलेगा कि इंडिया के अंदर भी अच्छा खासा पोटेंशियल है उनकी तरह मूवीज बनाने का। बट प्रॉब्लम यहाँ पर कंपैरिजन के साथ इंस्पिरेशन का है। देखो भाई, हमने इस टीजर को पहली नजर में देखकर इतना सरप्राइज क्यों हुए थे? क्योंकि इससे पहले ऐसा माल इंडिया में नहीं बना है भाई साहब। बट US कनाडा के लोग ये सब देखकर ही तो बड़े हुए ना, सिर्फ हिंदू माइथोलॉजी को छोड़कर। ड्यून मूवी से लेकर स्टार वॉर्स, जिनके साथ इस टीजर का थोड़ा बहुत लग रहा है, उन्हीं सभी चीजों को लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट होने का चांस बन सकता है। देखो भाई, इंस्पिरेशन लेना कोई गलत बात नहीं है, फिर भी लफड़ा होने में भाई टाइम नहीं लगता। और इसी रिस्क को टालने के लिए मीडिया अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट के मूवी को हिंदू माइथोलॉजी के कॉन्सेप्ट के द्वारा सभी इंस्पिरेशन को कवर अप करना होगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेरी इस वीडियो का मेन मकसद है एज ए ऑडियंस तुम्हें रियलाइज करवाना कि प्रोजेक्ट के मूवी कल्कि 2898 एडी इंडियन सिनेमा हिस्ट्री में एक अलग रेवोल्यूशन लाने में बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, जो कि एक्चुअली हमें बहुत पहले ही लेना चाहिए था। बट खैर, क्या ही कर सकते हैं, देर आए दुरुस्त आए। बट इसका फुल क्रेडिट जाता है डायरेक्टर नागास्विन को और उनके विजन को, क्योंकि वो पहले आदमी हैं जो ऐसी स्टार पावर को लेकर इंडियन सिनेमा में एक बिग रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले इंडियन फिल्म मेकर्स को
मोटिवेट कर रहे हैं कि आज हॉलीवुड हमारे घर घर पहुंच चुका है, तो आओ हम भी आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मुझे पर्सनली इस मूवी के कंसेप्ट से जितना लगता है, इस प्रोजेक्ट के में प्रभास से ज्यादा डायरेक्टर नागाश्विन इंडियन सिनेमा में कल्कि बन के सब कुछ बदलने आए हैं। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में इस मूवी का प्रमोशनल मटेरियल, टीजर, ट्रेलर जो भी आएगा वो कैसा होता है। वो देखने के लिए अपन तो हर वक्त एक्साइटेड है। खैर तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में जरूर बताना। और इन जलते हुए आंखों को मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके पानी देकर ठीक किया है। खैर अभी भी टोटल क्लियर नहीं हुआ है, तुम देख सकते हो कुछ दिनों के अंदर शायद ठीक हो जाएगा। देखो भाई, मैं जानता हूं तुम्हारा टाइम वैल्यूएबल है, इसलिए मैं वीडियो में ज्यादा बकवास नहीं करता। फिर भी तुम्हें इस वीडियो से थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन मिला है तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे साथ पर्सनल कनेक्शन बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।